सो हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग कैसे करें। देखो होता क्या है, जब बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं ना, जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं या फिर एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं ना, तो होता क्या, उन्हें एक्जैक्टली पता नहीं होता कि हम अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग कैसे करें। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो लोग आपको ज्वाइन करवाते हैं ना, जो अपलाइंस होते हैं, वो भी नहीं सिखाते अपने डाउनलाइंस को कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग कैसे करना है। वो ये सोचते हैं कि चलो मैंने इसको ज्वाइन तो करवा दिया, उसके बाद मेरा मतलब खत्म, मेरा काम खत्म। ऐसा नहीं, अगर आप अपलाइन हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, अगर आप इस माइंडसेट से किसी को ज्वाइन करवाते हो कि चलो यार इसको ज्वाइन करा दिया उसके बाद मेरा काम खत्म, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप सिर्फ कुएं में जाने वाले हो, आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो नहीं कर पाओगे, इस बात को याद रखना। अगर आपने किसी को ज्वाइन करवाया है ना, तो उसको आपको प्रॉपर गाइडेंस देने की जरूरत है, क्योंकि एक नए बंदे को हमारे बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उनको जीरो नॉलेज है। नॉलेज कौन देगा? आप दोगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो सिर्फ ज्वाइन कराना मकसद नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर गाइडेंस देने की जरूरत है, तभी तो वो बिजनेस में आगे ग्रो करेगा ना। उसने भी कुछ सोचकर ही ज्वाइन किया होगा आपके साथ, आप पे बिलीव किया होगा, और आप ही उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो वो कैसे ग्रो करेगा? ठीक है, तो उसको प्रॉपर सपोर्ट देने की जरूरत है, तब जाकर वो आगे ग्रो करेगा आपके साथ। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग स्किल के ऊपर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, लीड जनरेशन के ऊपर मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट दे रखा है। आप ना वो सारे प्लेलिस्ट को ओपन करना, वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है बिजनेस में ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो आप एक बार सारी वीडियोस को जरूर देखना, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, एंड नाउ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और अगर आप फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अगर आप फायदा उठाना चाहते हो, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है ना, आपके पास टाइम पे पहुंच जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग कैसे किया जाता है। तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग कैसे करना होता है, ये बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता दूं कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग क्यों करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना कि इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग करके होगा ही क्या, है ना, क्यों करना जरूरी है। सर मैं आपको बताता हूँ, देखो इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंस्टाग्राम ना हमें और हमारे वर्क को ना रिप्रेजेंट करता है कि हम कौन है और हमारा काम क्या है। मैंने क्या बताया, इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप कौन हो और आप करते क्या हो, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए क्या करना होता है कि हमें इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग करनी होती है। और इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग करने से फायदा ये होता है कि लोगों को ना एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर कोई आपके इंस्टाग्राम पे विजिट करेगा ना, तो आपके प्रोफाइल से आपको जज कर लेगा कि आप कौन हो और क्या करते हो। अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा ना, तो कोई भी बंदा आपके आपके ना अकाउंट पे नहीं आएगा और ना ही कोई आपको फॉलो करेगा। इसीलिए इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और दूसरी चीज देखो यार, हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है और नेटवर्क मार्केटिंग देखो एक प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है ना, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल हो, तभी तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे ना, तभी तो आप लीड्स को भी अच्छे से जनरेट कर पाओगे। अगर आप किसी को डीएम करोगे ना, तो आपके पास लीड्स भी आएगा, क्योंकि सबसे पहले कोई भी इंसान आपके प्रोफाइल को चेक करेगा, उसके बाद ही वो आपको अपना नंबर शेयर करेगा। ठीक है, इसीलिए इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आया होगा कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो और भी बहुत सारे रीजन होते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग करने के। यार देखो सिंपल सी बात है, हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, हमें सारा काम डिजिटली करना पड़ता है, डिजिटली लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ता है, सब कुछ डिजिटल करना पड़ता है, राइट। इसीलिए हमारा इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है ना, वो अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, वो एक तरीके से समझो आपका खुद का दुकान है। ठीक है, अब आप उस दुकान को कितना अच्छे से सजा के रखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब यार एक चीज समझो, आज का जो जमाना है ना, ज्यादातर लोग किसी को भी ना उसके आधार कार्ड से नहीं जानता, उसको डिजिटल आइडेंटिटी से जानता है। ठीक है, तो आज के जमाने में डिजिटल आइडेंटिटी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंसान आपको आपके आधार कार्ड से नहीं जानेगा, आपको आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से जानेगा, फेसबुक प्रोफाइल से जानेगा। इसीलिए डिजिटल आइडेंटिटी अच्छा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ना कुछ गलत धारणाएं बैठी हुई है। वो गलत धारणाएं पता है क्या है, ज्यादातर लोग इसीलिए प्रोफाइलिंग नहीं करते इंस्टाग्राम की। वो ये सोचते हैं यार मैं तो काला हूं, मैं तो अच्छा नहीं दिखता, मेरी तो पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, है ना, ये सोचकर अपनी प्रोफाइलिंग नहीं करते। दूसरी चीज वो ये सोचते हैं यार मेरे पास तो खुद का कोई लाइफ स्टाइल का फोटोज नहीं है, है ना, तो मैं किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग करूँ। देखो यार, अगर आप अपने अपलाइन को देख रहे हो कि वो ना लाइफ स्टाइल की फोटोज डाल रहे हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी पिक्स डाल रहे हैं, है ना, उनका प्रोफाइलिंग तो बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, उनका प्रोफाइल तो बहुत अच्छा दिखता है, तो यार सिंपल सी बात है, जब वो नए नए इस बिजनेस में आए थे तो उनके पास भी तो लाइफ स्टाइल का फोटोज नहीं था ना। वो तो जैसे जैसे पैसा उन्होंने कमाया, जैसे जैसे उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती गई, तब उन्होंने धीरे 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 लाइफ स्टाइल का फोटोज उन्होंने डालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यार इसी तरीके से आपके साथ भी होगा ना। अभी आपके पास लाइफ स्टाइल की फोटोज क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। जैसे जैसे आप पैसे कमाओगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती जाएगी, आप भी अच्छे अच्छे पिक्स क्लिक करोगे, फिर आप भी डालोगे, तो आपकी और भी धीरे धीरे प्रोफाइलिंग अच्छी होती जाएगी। बट शुरुआत में किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करोगे, ठीक है, अभी मैं आपको चीज बता दूंगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी में अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर लोगे और आपका प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा।
ठीक है, और लोगों को रिस्पांस भी आएगा, लोग आपको फॉलो भी करेंगे। मैं अभी वही चीज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग कर सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो तो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइलिंग है ना वो दो तरीके से होती है, ठीक है। एक होता है कि लोग या तो आप लाइफ स्टाइल की फोटोज डालकर आप अपनी प्रोफाइलिंग कर सकते हो, पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपको अपना इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग अच्छी बनानी है तो आप शुरुआत में क्या कर सकते हो, नॉलेज को प्रोवाइड करोगे। क्या करोगे, नॉलेज प्रोवाइड करोगे। आपने बहुत सारे ऐसे पेजेस देखे होंगे जहां पे ना कोई लाइफ स्टाइल की फोटोज नहीं है, बट वहां पे सिर्फ क्या है, सिर्फ कंटेंट है, अच्छे अच्छे कंटेंट होते हैं, नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है उस कंटेंट के थ्रू, उस पोस्ट के थ्रू, राइट। फिर भी आप देखोगे कि वहां पे जो उनके जो फॉलोअर्स है ना बहुत ज्यादा होते हैं, लाखों में फॉलोअर्स होते हैं, है ना। वहां पे तो कोई लाइफ स्टाइल नहीं है फिर भी उनके फॉलोअर्स ज्यादा है ना, समझ आ रही मेरी बात। तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग देखो दो तरीके से होती है, ठीक है, या तो लाइफ स्टाइल की फोटोज डालकर या फिर दूसरा नॉलेज प्रोवाइड करके, ठीक है, लोगों को अच्छी अच्छी वैल्यूज देके। तो शुरुआत में अगर आप बिगिनर्स हो ना तो हम लोग भी यही चीज करने वाले हैं कि हम शुरुआत में क्या करेंगे, लोगों को वैल्यू देंगे, लोगों को हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी किस तरीके से होगा, चलिए अभी मैं आपको आगे सारी चीजें बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से अपनी प्रोफाइलिंग को अच्छा बनाओ। सो अगर आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अच्छी बनानी है और अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आपने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है ना, तो आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना है, आपका जो अकाउंट है ना उसको प्रोफेशनल प्रोफाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको अपने प्रोफेशनल प्रोफाइल में आपको स्विच करना पड़ेगा अपनी पर्सनल अकाउंट को, ठीक है। आई होप आपको ये चीज पता होगा कि किस तरीके से आप अपने जो पर्सनल अकाउंट है उसको प्रोफेशनल प्रोफाइल में किस तरीके से कन्वर्ट करना होता है, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है उसमें आपकी फोटो होनी चाहिए और जिसमें आपका जो फेस है ना अच्छे से दिखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरीके से फोटो डालते हैं जिसमें उसका ना फेस ही नहीं दिख रहा होता, ठीक है। तो आपको ऐसा प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाना जिसमें आपका फेस नहीं दिख रहा हो, आपका फेस दिखना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब यहां तक का आपका फोटो होना चाहिए बढ़िया सा, जिसमें आपका फेस अच्छा से दिखे। आप कोई भी अपलाइन करना, आप अपना देखना, आप अपने अपलाइंस के जो प्रोफाइल पिक्चर होगा ना आप उनका देखना, उन्होंने किस तरीके से अपनी डीपी लगा रखी है, आपको पता लगेगा कि उन्होंने ना यहां तक का मतलब प्रोफाइल पिक्चर लगाया है। तो आपको भी, आपको सिर्फ फेस दिखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, आपका प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। किसी और की फोटोस मत लगा देना या फिर कोई कोटेशंस वगैरह मत लगा देना, प्रोफाइल पिक्चर में आपकी फोटो होनी चाहिए। सो प्रोफाइल पिक्चर के बाद जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग के लिए वो है नेम, ठीक है। देखो हमेशा जो नाम है ना विथ टाइटल लिखा होना चाहिए। जैसे आपको ना यहाँ पे मेरा प्रोफाइल दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, जैसे मेरा नाम है गौरव विश्वकर्मा, तो मैंने अपने टाइटल के साथ नेम लिखा है ना, गौरव विश्वकर्मा। उसी तरीके से आपका जो भी टाइटल होगा विथ टाइटल आपको अपना नाम लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यार देखो हम अपनी जो प्रोफाइलिंग ना जेन्युइन प्रोफाइलिंग करना है, हमें फेक प्रोफाइलिंग नहीं करना है, ठीक है। अगर हमें जेन्युइन प्रोफाइलिंग करना है तो हमें सारी चीजें तो जेन्युइन डालना पड़ेगा ना, कुछ भी छुपाना नहीं है, कुछ भी गलत चीजें नहीं डालना, कुछ भी फेक नहीं डालना, जो रियलिटी है वही चीज आपको दिखानी है अपने प्रोफाइलिंग में, अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नेम के जगह में कुछ और चीज लिख रखा है तो आज ही उसको एडिट करो, ठीक है, और वहां पे अपने टाइटल के साथ अपना नाम डालो। इससे क्या होता है ना, आपको जो प्रोफाइल है ना पूरा जेन्युइन दिखता है, ठीक है। आप अपने अपलाइन का जाके आप अपना प्रोफाइल देखना, उन्होंने भी अपना टाइटल के साथ पूरा लिखा होगा अच्छे से, ठीक है। तो आपको भी ये चीज को फॉलो करना है अगर आपको अपना इंस्टाग्राम को अच्छा बनाना है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि आपको अपना नाम किस तरीके से रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूजर नेम। देखो यूजर नेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका यूजर नेम ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई सर्च करे ना तो आपका नाम तुरंत आ जाए, ठीक है। इसके लिए आप यूजर नेम को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हो ना, अपने नाम के साथ में ऑफिशियल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका यूजर नेम बहुत अच्छा हो जाएगा और लोगों को ये पता लगेगा कि हाँ ये कोई ऑफिशियल अकाउंट है या किसी का पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो आप ऑफिशियल का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप अपने अपलाइन का आप यूजर नेम देखो और ठीक है, और उनकी तरह आप अपने ना कस्टमाइज करो, उनका देखो बट टू कॉपी मत करना, कस्टमाइज करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो यूजर नेम है बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप दूसरे का प्रोफाइल से भी ना आप सीख सकते हो, कॉपी कर सकते हो कि दूसरे लोगों का यूजर नेम कैसा है जो कि अट्रैक्टिव दिख रहा है, उसी तरीके से सेम आप अपना यूजर नेम भी बना सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि यूजर नेम किस तरीके से रखना है। सो अभी मैंने आपको बताया कि आपको अपना यूजर नेम किस तरीके से रखना है। उसके बाद आता है वेबसाइट लिंक। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको या तो गूगल फॉर्म का लिंक डाल दो या फिर आप अपने व्हाट्सअप का व्हाट्सअप नंबर का लिंक बनाओ, ठीक है, और उसको यहाँ पे डाल दो। इससे क्या होगा कि कोई भी पर्सन अगर किसी को आपके आपके बिजनेस के बारे में जानना होगा ना तो वो क्या करेगा ना, उस लिंक पे क्लिक करेगा, अपने सारे डिटेल्स को फिल करेगा, तो इससे क्या होगा कि आपके पास सामने वाले का पूरा डिटेल्स आ जाएगा, फिर आप उसको अपना बिजनेस बता सकते हो, राइट। तो वेबसाइट के जगह पे आपको क्या करना है, आपको गूगल फॉर्म का लिंक या फिर व्हाट्सअप नंबर का लिंक डालना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेसबुक का लिंक डाल देते हैं, ये गलत है। फेसबुक का लिंक या अपने यूट्यूब का लिंक नहीं डालना, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, ये अलग लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो तो अगर आप फेसबुक का लिंक डाल रहे हो या फिर आप अपना यूट्यूब का लिंक डाल रहे हो तो ये गलत है। या तो व्हाट्सएप लिंक होना चाहिए या फिर दूसरा गूगल फॉर्म का लिंक होना चाहिए,
ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेबसाइट में कौन कौन सा लिंक आप डाल सकते हो। एक ही लिंक डालना, या तो गूगल फॉर्म का या फिर अपने व्हाट्सअप नंबर का लिंक। मेरे अकॉर्डिंग आपको गूगल फॉर्म का लिंक डालना चाहिए, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया कि आपको अपने वेबसाइट में कौन से लिंक डालना है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका बायो कैसा होना चाहिए, आप अपने बायो में क्या टेक्स्ट करोगे जिससे आपका बायो और आपका प्रोफाइल बिल्कुल अट्रैक्टिव दिखे। देखो अभी जो मैं आपको बायो सजेस्ट करने वाला हूँ ना, आई डोंट नो, ठीक है, कि आपको ये पसंद आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट नो, बट हो सकता है कि आपने पहले से जो आपने बायो लिख रखा हो सकता है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है आपके मेंटोर ने बताया हो किस तरीके से आप प्रोफाइलिंग करो, बायो में चीज लिखो, हो सकता है वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है, आप उसको रहने देना। अगर आपको लग रहा है कि आपके बायो में कुछ कमी है तो अभी जो मैं आपको कुछ सजेस्ट करने वाला हूँ बायो, आप उसको भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। पहला जो स्क्रीनशॉट है ये मेरा खुद का है, ठीक है, बाकी का जो दो स्क्रीनशॉट है ये मेरे टीम मेंबर्स का है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा जो दूसरा नंबर का जो स्क्रीनशॉट है, दूसरा नंबर वाला, और उसमें जो बायो लिखा है ना, अब इस बायो को आप अपने बायो में लिख सकते हो, बहुत अच्छा है ये बायो, वन ऑफ द बेस्ट बायो लगता है मेरे को, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से देखो, सबसे पहला चीज क्या लिखा है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, पार्ट ऑफ कम्युनिटी का नाम, तो आप जिस भी कम्युनिटी का पार्ट हो, ठीक है, उसका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का जो पेज होगा ना, आपको वहां पे मेंशन करना है, ठीक है। तीसरा लाइन क्या है, माई मेंटोर @gaurav.kr.official, तो जो मेरी टीम है ना उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने मेरे को यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपके मेंटोर है, ठीक है, आपको उनके प्रोफाइल को अपने बायो में मेंशन कर देना। इससे फायदा पता है क्या होगा, जब आप किसी को डीएम डालोगे ना या फिर आपके प्रोफाइल पे जब कोई विजिट करेगा तो वो चेक करेगा कि इनके मेंटोर कौन है, जरा एक बार चेक करते हैं। जब वो चेक करेगा तो दिखेगा यार इनके मेंटोर तो बहुत अच्छे, इनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, जरूर ये कुछ अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। तो इससे क्या होगा, जो अनजान लोग है ना वो आपके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करेंगे, मेरी बात समझ आ रही है। इसीलिए अभी आपको क्या करना है, आपके जो ग्रेट मेंटोर है, जिनको आप ग्रेट मेंटोर मानते हो, जिनका इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है बहुत अच्छा है, ठीक है, अट्रैक्टिव है, आप क्या करो उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अपने बायो में मेंशन करो, ठीक है। जैसे कि मेरे को मेरे टीम ने कर रखा है @mymentor@gaurav.kr.official, इसी तरीके से आपको अपने मेंटोर को मेंशन करना है बायो में, ठीक है। एंड चौथा लाइन क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग यूथ टू अर्न मनी, उसी तरीके से आपको क्या करना है, ये चार लाइन का आपको बायो लिखना है। इससे ज्यादा बायो मत करना, नहीं तो आपका बायो बिल्कुल भद्दा दिखेगा, घटिया दिखेगा, ठीक है। कम लिखना है ताकि लोग कम चीजों को पढ़ के जल्दी अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि बायो किस तरीके से लिखना है। अगर आप बिगिनर्स हो ना तो मेरे अकॉर्डिंग आप यही सेम बायो को आप कॉपी कर देना अपने प्रोफाइल में, आपका बायो बहुत अच्छा दिखेगा। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन या फिर बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या चीजों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कैटेगरी, तो कैटेगरी में या तो आपको एंटरप्रेन्योर या फिर आपको डिजिटल क्रिएटर को सिलेक्ट करना है। जो चीज आप सिलेक्ट करोगे वही आपकी नेम के नीचे में, जैसे आपका जो डीपी होता ना उसके डीपी के नीचे आपको नाम दिखेगा और नेम के नीचे में आपको चीज शो होगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर सिलेक्ट करोगे तो एंटरप्रेन्योर दिखेगा, या फिर अगर आप डिजिटल क्रिएटर को सिलेक्ट करते हो तो डिजिटल क्रिएटर दिखेगा, मेरी बात समझ आएगी। दूसरा ऑप्शन दिखेगा आपको कॉन्टैक्ट ऑप्शन, तो कॉन्टैक्ट ऑप्शन में आपको दो चीजों को फिल कर लेना है, आपका ईमेल आईडी और दूसरा मोबाइल नंबर, ठीक है, फिल कर लेना। और नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, तो आपको उसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने से क्या होगा कि लोग आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर शो नहीं करेगा आपके प्रोफाइल पे, ठीक है, ये जरूर ऑफ कर लेना, ठीक है, नहीं तो लोगों के पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर चला जाएगा तो लोग आपको परेशान करेंगे कभी ना कभी कॉल कर करके, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, अगर आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालोगे ना तो इससे फायदा ये होगा कि अगर आप बाय द वे कभी आप भूल जाओगे अपना पासवर्ड इंस्टाग्राम का, तो आप ना रिसेट कर सकते हो उस ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू, ठीक है, इसीलिए आपको फिल करना जरूरी है। ओके, एंड लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोफाइल डिस्प्ले, तो आप उसको हिडन कर देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजों को सिलेक्ट करना है। सो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूँ हाइलाइट्स के बारे में। देखो, हाइलाइट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल में देखा है क्यों ना हाइलाइट्स नहीं बनाते। देखो, जब आप किसी को बिजनेस समझाते हो ना इंस्टाग्राम पे या फिर आप किसी को डीएम डालते हो तो लोग आपके हाइलाइट्स को देखते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका हाइलाइट्स बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर्स हो और अगर आपने अभी अभी बिजनेस को ज्वाइन किया है ना, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपको शुरुआत में कौन कौन किस किस नेम से आपको हाइलाइट्स बनाना चाहिए, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा मोटिवेशन, ठीक है, तो एक मोटिवेशन का आप एक हाइलाइट्स बनाओ जिसमें आप मोटिवेशनल वीडियो या फिर मोटिवेशनल कोट्स का आप हाइलाइट्स बना सकते हो। दूसरा, आपको एक मीटिंग्स का हाइलाइट्स बनाना, जितनी भी मीटिंग्स होती है ना आप उसका हाइलाइट्स बना लो, ठीक है। तीसरी चीज, आपको एक अपने मेंटोर्स का हाइलाइट्स बनाना है, ठीक है, आपके जितने भी मेंटोर्स हैं, ठीक है, उनका एक हाइलाइट्स बना लो। ओके, एंड चौथी चीज, आपके देखो जिस ग्रुप में आप ऐड हो गए ना, व्हाट्सएप ग्रुप में नए नए लोग ना आते होंगे, तो उसका जो स्क्रीनशॉट है ना आप उसको भी क्या करो, हाइलाइट्स बनाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा ना, लोग देखेंगे यार इनके साथ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, नए नए लोग भी हैं, तो आपको एक टीम या पार्टनर के नाम से आपको हाइलाइट्स बनाना है,
ठीक है। तो उसके बाद आपको एक रिव्यूज के नाम से आपको एक हाइलाइट्स बनाना है, जिसमें जितने भी आपके जो रिव्यूज होते हैं, जब लोग बिजनेस को देखते हैं ना तो रिव्यूज देते हैं कि यार बिजनेस मेरे को बहुत अच्छा लगा है ना, मेरे को भी ज्वाइन करना, तो आपको सारे रिव्यूज को आप डाल देना। ये इससे क्या होगा, जब लोग आपके हाइलाइट्स को चेक करेंगे ना तो वो देखेंगे इतने सारे लोग अच्छे अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं तो मेरे को भी ना बिजनेस करना चाहिए। तो आप रिव्यूज के नाम से जरूर बना लेना, ठीक है। आपको एक अपने ड्रीम के माई ड्रीम के नाम से आपको एक हाइलाइट्स बनाना है, जिसमें आपके जो भी फ्यूचर ड्रीम्स है जो आप इस बिजनेस से अचीव करना चाहते हो आप उसमें डाल देना, ठीक है। गूगल से आप फोटोज को डाउनलोड करना जो भी आपका ड्रीम्स है और हाइलाइट्स में लगा लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। उसके बाद अगर आप बर्थडे पार्टी बनाते हो उसका आप एक हाइलाइट्स बना लेना, ठीक है। मेनली देखो बहुत सारे आप हाइलाइट्स बना सकते हो, बट मेनली क्या है ना, 5-6 जो हाइलाइट्स है ना वो आपको बनाना ही बनाना है, जैसे मोटिवेशन, मीटिंग का, अपने मेंटोर का, टीममेट्स का, ठीक है, ये सारी चीजों का तो बनाना ही बनाना है। अगर आप शुरुआत में इस बिजनेस को अभी ज्वाइन किए तो ये आपको तो बनाना ही बनाना है, बाकी आप धीरे धीरे आप ऐड करते रहना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि और भी आपका अच्छा हाइलाइट्स बने तो आप अपने मेंटोर के हाइलाइट्स को चेक करो कि उन्होंने क्या क्या चीजों को डाल रखा है, आप वहां से भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हाइलाइट्स में हमें किस किस नेम से हाइलाइट्स बनाना है, ओके। सो अभी मैंने आपको बताया कि आपको हाइलाइट्स किस किस नेम से बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट और रील किस किस तरीके से आप डाल सकते हो। देखो होता क्या, जब नए लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना और जब उन्हें बोला जाता प्रोफाइलिंग करने के लिए तो उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या क्या पोस्ट डालें, यार कुछ समझ नहीं आता किस तरीके से हम रील डालें, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, ठीक है। अगर आप भी न्यू हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको शुरुआत में किस किस तरीके से आपको पोस्ट डालना चाहिए ताकि आपका जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइलिंग हो वो बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। देखो अगर आप बिगिनर्स हो तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिख रहा होगा, सबसे पहली चीज आपको ना कोटेशंस अपलोड करना शुरू करना है। कौन सा पोस्ट डालना है, कोटेशंस आपको डालना है, आपको कोटेशंस बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च करना, ठीक है, मोटिवेशनल पेज करके, तो आपको बहुत सारे ऐसे पेजेस मिलेंगे जहां पे ना आपको कोटेशंस मिल जाएंगे। तो आपको शुरुआत में क्या करना है, कोटेशंस डालना शुरू करना है, ठीक है। क्या करना है, कोटेशंस डालना, आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा कि कोटेशंस डाला हुआ, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है, कोटेशंस डालना शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या करना है, आपको एडिटिंग सीखना है थोड़ा सा, और आपको अपनी फोटोज के ऊपर ना कुछ कोटेशंस लिखना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे और आपका प्रोफाइल अच्छा होता चला जाएगा। मैंने दूसरा चीज क्या बताया कि पहले कोटेशंस डालना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने फोटोज के ऊपर आपको कोटेशंस लिखना और उसको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा एडिटिंग सीखना है, और एडिटिंग सीखने के बाद क्या करना है, आपको अपने अच्छे फोटोज के ऊपर ना कोटेशंस लिखना है और उसको पोस्ट करना है धीरे धीरे, ओके। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ना आपका प्रोफाइल अच्छा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपको सिर्फ नॉर्मल सा कोटेशंस अपलोड करो, ठीक है। धीरे धीरे अगर आपको एडिटिंग आती है अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आप क्या करो, अगर सीखो उसको, और सीखने के बाद क्या करो, अपने फोटोज के ऊपर कोटेशंस लिखो और उसको आप पोस्ट करना शुरू करो। उसके बाद जब आप धीरे धीरे इस बिजनेस में काम करने लगोगे, जब आप पैसे कमाने लगोगे, जब आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होने लगेगा, तो फिर आप धीरे धीरे क्या करना, लाइफ स्टाइल की आप फोटोज वगैरह डालना शुरू कर सकते हो। ये 3 स्टेजेस में आपको पोस्ट डालना है, सबसे पहले कोटेशंस डालना है, उसके बाद दूसरा क्या करना है, आपको अपने फोटोज के ऊपर कोटेशंस, अच्छे अच्छे कोटेशंस लिख के, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ठीक है, आपको लिखकर अपलोड करना है। एंड तीसरी चीज क्या करनी है आपको, लास्ट में आपको जब आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे लाइफ स्टाइल की आपको फोटोज वगैरह डालना शुरू करना है। इस तरीके से आपको पोस्ट अपलोड करना है, और ये पोस्ट आपको डेली बेसिस पे अपलोड करना है, डेली बेसिस पे, क्योंकि शुरुआत में आपका बिल्कुल भी प्रोफाइल नहीं बना होगा तो आपको ज्यादा पोस्ट डालना है। मैं तो बोलूंगा दिन में 2 पोस्ट डाला करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपका प्रोफाइलिंग जल्दी हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ रील का क्या सीन है। देखो आपको शुरुआत में क्या करना है, मोटिवेशनल रील आपको अपलोड करना है, जैसे आपको यहाँ पे कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो आपको इस तरीके से पहले मोटिवेशनल रील डालो आप डेली बेसिस पे, ठीक है। एक पोस्ट एक रील, एक पोस्ट एक रील डालो डेली बेसिस पे, सुबह में पोस्ट डालो और रात में रील डालो। रील कौन सा डालोगे, मोटिवेशनल रील डालना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करना है ना, खुद का रील बनाना शुरू करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो ना अपना खुद का रील नहीं बनाते, वो शर्माते हैं कि मेरा फेस अच्छा नहीं है, मैं तो काला हूं, मैं तो अच्छा नहीं दिखता। ये सारी चीजें मैटर नहीं करता, आपको खुद का रील तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है तो खुद की रील बनाओ। शुरुआती में अगर आप नए हो तो शुरुआती में तो आप दूसरे का मोटिवेशनल रील डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको खुद का भी आपको अपना रील डालना है, खुद का रील बनाना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक क्या होगा, आपका जो कैमरे में फेस करने का जो प्रॉब्लम होता है ना वो कभी दूर नहीं होगा, वो जब तक बनाओगे नहीं तब तक दूर होगा नहीं। और अगर आपको डिजिटली ग्रो करना है तो आपको रील तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि पोस्ट और रील किस तरीके से अपलोड करना है, अगर अभी अभी आपने इस बिजनेस को शुरुआत किया है और अगर आप प्रोफाइल को अच्छा बनाना चाहते हो, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं स्टोरी का। देखो स्टोरी किस तरीके से अपलोड करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज तो अभी मैंने आपको जो बताया कि हाइलाइट्स बनाना है, और आपको पता होगा हाइलाइट्स तभी बनती है जब हम स्टोरी अपलोड करते हैं। तो आपको सबसे पहले आज क्या करना है कि जिस भी नेम से मैंने हाइलाइट्स बनाने को कहा है, ठीक है, आपको क्या करना, सबसे पहले आपको सारे को स्टोरी डालना है, ठीक है। एक वीडियो क्या करूं मैं बताता हूँ, एक वीडियो
मोटिवेशनल वीडियो डालो, एक मोटिवेशनल कोट्स का आप स्टोरी डालो, एक मीटिंग्स का आपको क्या करना है स्टोरी लगाना है, ठीक है, अपने मेंटोर के फोटो का एक आप स्टोरी लगाओ, ठीक है, जो भी मैंने नेम से बताया एक एक फोटो आप स्टोरी पे लगा दो और उसके बाद आप उसको हाइलाइट्स में कन्वर्ट कर लो। अब वो हाइलाइट्स में कन्वर्ट हो गया, अब धीरे धीरे क्या करना, अब आप उसको अपडेट करना। मेरी बात समझ आ गई? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन सी स्टोरी डालनी है आज आपको, जिस नेम से आपको हाइलाइट्स बनाना है उसका आपको स्टोरी डालना है पहले, तभी तो हाइलाइट्स कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको डेली बेसिस पे जब आपका हाइलाइट्स बन जाएगा, उसके बाद आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, 4 से 5 आपको डेली बेसिस पे आपको स्टोरी डालनी है। आपका स्टोरी कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए, ठीक है, चाहे आपको मोटिवेशनल वीडियो डालो, मीटिंग्स का डालो, कुछ भी डालो, बट डालना है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टोरी आपको किस तरीके से डालना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग करना है, राइट। तो अभी जाओ और अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अच्छा बनाओ, ठीक है, 1 से 2 दिनों के अंदर में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है प्रोफाइलिंग से रिलेटेड तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है और आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी जरूर करना। बहुत सारे लोग यार सिर्फ वीडियोस को देख तो लेते हैं बट नहीं लाइक करते, नहीं कमेंट करते, नहीं सब्सक्राइब करते हैं। यार पैसे थोड़ी लगते हैं, कर दिया करो, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते हो, ठीक है। और आपने ये तो सीख लिया कि किस तरीके से इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग करनी है, राइट। अगर आप ये चीज भी सीखना चाहते हो कि फेसबुक की प्रोफाइलिंग कैसे करें, तो आपको यहाँ पे एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को जाकर देखो और ये चीज सीखो कि फेसबुक की प्रोफाइलिंग कैसे करना है, ठीक है। सो हम फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।